इधर रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के कुम्हरदगा पंचायत के मुखिया समेत तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन तीनों पर मनरेगा कूप निर्माण के बाद लाभुक को आधी राशि ही भुगतान करने का आरोप लगा है। देखिए रिपोर्ट। मनरेगा कूप निर्माण में पैसे की बंदरबार, मुखिया समेत तीन लोगों पर प्राथमिकी, न्यायालय में हुई थी याचिका दायर, लाभुक ने की थी याचिका दायर, कुप का निर्माण हो गया पूरा लेकिन आधी राशि ही दी गई लाभुक को। गोला प्रखंड के कुम्हरदगा पंचायत में मनरेगा कुप निर्माण का पैसा अधिकारियों और मुखिया की मिलीभगत से निकाल लिया गया। लाभुक को योजना पूर्ण होने के बाद आधी राशि का ही भुगतान किया गया, जिसके बाद लाभुक शंभुनाथ महतो ने पंचायत के मुखिया समेत कुल तीन अधिकारियों के खिलाफ याचिका दायर की थी और अब इसी मामले में गोला थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। 34,000 खाता में दिया, 65,000 कैश दिया और जो बाकी है तो हमको मिलना चाहिए, उसी चलते हम कैश कर रहे हैं। इस मामले पर गोला थाना प्रभारी ने कहा कि न्यायालय से प्राप्त आवेदन के आलोक में कुल तीन लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि BDO ने सभी दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। कूप निर्माण से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है, उसी कोर्ट कम्प्लेन के आलोक में गोला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत है, अनुसंधान के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आया था एक लाभुक का, राशि उसको नहीं मिले, इस संबंध में उन्होंने थानों में परिवाद दाखिल किया है, जिनके थाने के माध्यम से मुझे पत्र आया है, उस पर मैं संज्ञान लेते हैं, उस पर जो भी जांच है नियमानुसार कार्रवाई करके थाने को संसूचित करूंगा और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जो थाना का हेल्प करूंगा। मनरेगा में तीन लोगों पर प्राथमिकी तो दर्ज हो गई है लेकिन क्या इन पर कार्रवाई हो पाएगी? प्रशासन को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तत्काल जांच करने की जरूरत है ताकि बाद में कोई घपला करने की हिम्मत ना करे। न्यूज 11 भारत के लिए गोला से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।